राम राम जी। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और भाई ठीक ठाक हो गए? तो भाई कल की बात है, मैं तो मेरा तो कल तो मन बहुत दुखी हो रहा है और आज मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाई इस मारे, क्यों जी सारा जी नहीं होता था, ब्लॉग भी नहीं बना पाता भाई। मारी बैस कल मैंने मैस की वीडियो बनाई थी तार काट दी कि उस तक कुछ मिनट बाद भाई बैस का गड़ी करड़ी चोट लग गई। आज जब भाई कति दिमाग खराब हो गया, देखो वीडियो बना रही थी कति ठीक ठाक थी, एक मिनट का नहीं भरोसा आदमी का, जीव जंतु कुछ भी मतलब पल में क्यों हो जाए पता ही नहीं लगता। कति ठीक ठाक थी वैसे धार काट गए, जोड़ पर लेकर गया इसका पापा और तौड़े तर नवा दवा कर उल्टी आने लग रही थी, तो वही गाड़ा में जाड़ होया करें जो कर मतलब नाली पर गिर दिया करें लोके, तो उसमें वही भैंस का पाँव फंस गया और फंस कर पाँव पड़ गई भैंस एकदम उसका मतलब पड़ गई। तो फिर भाई दिख इसके पापा ने बोला मंत्र सोचे एकदम पाँव टूट गया और मुश्किल होगी, तो उड़े उसके श्यामी पापा का डेरा है और उस दिन पापा के डेरे में भंडारा हो रहा था, तो भाई उड़े कने बालक थे देख कर भाई आए क्या हो गया, एकदम धड़ाका लग गया दूर तक खुड़का हुआ है जो कर भाई बड़ा पशु है पड़ा तो एकदम खुड़का हुआ है, तो बाजे आए भाई बालक उड़े थे काम लाग रहे थे भंडारा था तो टेंट वेंट तारण लाग रहे थे और कुछ काम लाग रहे होंगे, तो भाई 8-10 बालक बाजे आए और तो फिर सारा ने लाग लपेट कर वह उठाई और उसका पाँव उसमें फसा रहा था और वह बेचारी तान मारा कटन के मारे और तनू डर लगा भाई उसने तो ज्ञान नहीं है राम राम तो कट लिया वह झटके मारा नू डर लगा कदा टूट जा वह भाई मछा सी ठाई उन बड़का नहर भाई उसका पाँ पू काटा उसमें तो जल में तो पाँ तो काट दिया, फिर भी नू पता ना लग गया भाई कितनी के चोट लग रही उस पर खड़े ना होया गया, बड़ी उस तक ठाठू कवा थोड़ी बहुत खड़ी करी और उसका फिर खून इतने लकड़ा है उसका मतलब खून की उन्हें तरड़ी बंद की खून नहीं थम्बे, तो उड़ा तो कुछ भी नहीं था भाई के बंद है इसका पापा कुछ परना वगैरह भी नहीं ले रहा था, तो फिर बाजका भाई बाला कूड़ा पापा के जो चादर चढ़ाया करें बाजका वही चादर ठाकर लाए, तो वह चादर बांधनी पड़ी भाई के कर मजबूरी होगी, बोले भाई कुछ नहीं बाबा सब की ओकर है बाबा के नाम की है तो के है मतलब भाई ये मजबूरी होगी बैस का बांधनी पड़ी कि वही चादर, तो भाई बाबा की इतनी मेहर रही है कि भाई पानी टूटा ना तो ईसा हो गया था कि पाँ तो टूटा गया उसका, फिर वह खून तो भाई करड़ा वा लत्ता बांध दिया जित कनी खून आते हो तो थम जाया करा कुछ, तो उसका करड़ा लत्ता बांध दिया, फिर उसने बड़ी वो ताते लो मतलब सहसद कर आ तो गई क्योंकि उसमें जब तो नहीं कहा कर ताते लो वो हो जा तो आ गई करा करा कर भाई डॉक्टर तक फोन कराया तो डॉक्टर भी नहीं मिलया क्यों शाम का टाइम हो गया था इतना आई सहसा जुड़कना टाइम लग गया अंधेरा हो गया डॉक्टर की तो बाहर जा रहा था, तो डॉक्टर भी हमारे गाँव में हाड़ा एक है तो डॉक्टर भी नहीं पाया डॉक्टर बाहर जा रहा था, तो भाई उसका घनी चोट लग रही जगना जख्म हो रहा था, तो फिर मुकाइब तो या तुरंत खून थोड़ा थोड़ा फिर भी आ रहा था कति नहीं थम्बया था मतलब कड़का आ था लत्ता बांधी पीछे भी, तो फिर उस तक फोन कराया डॉक्टर तय, फिर डॉक्टर ने बताई कि भाई इसका टिटनेस का टीका लगा दो क्योंकि लोह की जाल था ना इसका जहर नहीं बनागा, तो कोई डॉक्टर नहीं था, फिर इसका पापा दवाई ले आया उड़ी था स्टोर पर था गोली ले आया उसने लिखी थी डॉक्टर ने जो, और इसने खुद है उसने छोटी छोटी शीशी दी थी उनकी वो टिक्का भरया इसने लगाना भी नहीं आता पर फिर भी नहीं सोची भाई जहर बन जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी वो कितने घंटे भीतर वो टिक्का लगाना भी जरूरी था, फिर उसका वो टिक्का लगाया जब थोड़ा सा उसका 19-20 का आराम सा होया हर गोली काली थी, तो देखो भाई एकदम इतने दिन हम तुम्हारा दूध होया था और इतने खुश हो रहे थे कि भाई दूध हो गया है और कल एकदम नहीं होगी हुई भैंस का एकदम तो ताजी ब्याई 10-12 दिन की तो ब्याई हुई है दूध तक के चाल लगे उसका इतना दर्द हो गया गणाए जख्म हो रहा है और इब तो कई दिन ना तो कितने ले जाई जाए उस पर चल ही नहीं जाता और तो ताजी ब्याई डांगर एक किस्म तो जप्पा है हो जाए भाई उसमें पशु बीमार हो जाए तो फिर वो दूध तो भी नहीं चाल का दिन था, तो परमात्मा बेरा नहीं इतने दिन हम तो दूध होया था, तो इस मारे गणाए दिमाग खराब हो गया और फिर कोई उसके पट्टी वट्टी करी उसका मतलब गणाए जख्म हो रहा तो उसने टिक्का और गोली तो दे दी उसमें हमने मतलब देसी इलाज कराया डॉक्टर बोला इसने साफ कर कर इसमें ग्रीस भर दो,
और डॉक्टर आला को और उस तो पूछेंगे भाई कुछ और दवाई होगी तो लगाऊंगे। अरे भाई आप सब ने किसी ने भी पता हो इस तरह की कोई वीडियो देखा है और आपने बेरा हो इस तरह का लो लाग का जख्म हो गया तो भाई कमेंट करके जरूर बताइयो। कोई देसी सी चीज़ हो गई उसका बांध देता उसका और जल्दी आराम हो जाए। अरे भाई आप सबकी दवाई तो भाई बच की हुआ बेचारी ना तो भाई बहुत दिक्कत सी हो गई थी। अगर भैंस का पांव टूट जाए एक बार किसी भी पशु का वो बात नहीं बनती फिर जुड़न में नहीं आता। हम कह दें अगर इलाज हो जाए एक बार टूटे पीछे बात नहीं बन मानती। आदमी का हो जाए कुछ टूटे पीछे तो टूटा जो वो बुट्टी अल वो है मतलब सही डाल नहीं होता। एक बार टूट गया तो आज जो पहला जीसा तो होता ही नहीं। तो इतना जी दुखी होगा एक भैंस की क्या हमारी गल पहला भी हो रहा है ऐसा कि भैंस का नुआ हुआ भी ब्याह रही थी उसका एकदम अचानक नुआ जोड़ पक गई थी। पता नहीं उसके पाँव में के चीज़ चाली थी वह भैंस मतलब मारा दूध दाद दिया ही नहीं मतलब नुआ दिक्कत में रही। तो इस तरह का पहला अपने ऊपर बीत रही हो तो और भी घना नु हो जाए कभी कदा कदा इसका भी सहाय हो जा। ये देखो दो चार दिन दवाई दुई देंगे देखो कितना के आराम लागा है। तो वही इतने दिन में पशु हो चाहे आदमी हो अपना हो जाओ उठ जाए दूसरे को किसी का भी घर में हो जाओ चाहे डंगर का हो जाओ और डंगर भी एक सदस्य की तरह हो जाओ। इतने दिन तक अपने पास रहा हुआ है रोज संभाल हुआ है उसमें भी इतना मोह हो जाए आदमी का जो अपनी भाई पशु है कोई भी पशु है पक्षी है कोई भी आदमी धुर रहा हुआ है तो उसका भी इन दर्द हुआ है कभी देखो इसका बेचारी हुआ तो बोल का बता भी नहीं सकती कभी मेरा कितना दर्द हो रहा है। तो बस मेरा यो ये वीडियो सी थी क्या है बताऊँ थी भाई मेरे पे कोई ब्लॉग वालक बनया नहीं। अरे भाई आप सब तक मेरी बहस ठीक हो जा जो भी देखने वाला है प्रार्थना करो भाई जल्दी सी मेरी बहस अच्छी तरह स्वस्थ हो जा और पहला की तरह चालन लाग जा और ठीक ठाक दूध दाद देने लाग जा। तो बस यही होती मेरा तो बस कुछ बात करने भी मन नहीं हो रहा समझ में नहीं आ रहा कि कहूँ बस यही कहूँ आप सब मेरे भैंस ने स्वस्थ होने की प्रार्थना करियो। और थोड़ी सी मैंने क्लिप काट रखी वो देखिए अच्छा मतलब उसी उसी ना थी कि कोई सी सी जुगर कट्ठी बोतल बातल सी कि नु आ करे हैं जाम का नहीं है यार ये इसमें भरनी है फिर कोई रात में नु दखण नहीं जा गया को कटोरी कटोरी में सारे फोड़ फोड़ काटे काट लियो साधन इसमें भाई उखनी पड़ेगी समझ गया मैं जय बचन बोले इसी साला खिन जड़े भाई उड़ा बैस दो रे भी डर लगा अच्छा वे सीसे के हैं इन नु को डस्ट को होता है क्यों ना फिर गेट है ना ताड़े तो कौन सी अच्छा दस है दस एक कबर लगाने हैं हैं एक की करके सारे एक में आ जाएंगे अच्छा नौ अच्छा एक सुहाव तैयार हो गए दस का और कर पिया के दिए हैं हैं सही बताओ यहाँ दिमाग खराब हो गया मैं थी मैं दूध तो नहीं चली एकदम इतना क्या खराब मैं तेन भी मानो हूँ गणा भी हो सका और टूट भी सका था कथी है यो जाल नुका कद सरपंच तक है सुन के नुका भाई इसने तो बदलवाओ यो है कि सब तक ना यो है ये सही गाना ना गाड़ रखी कथी उसके बारे में दौर वो हैं मंदिर गए अच्छा मंदिर वाला उरे ने यो बीच वाला मंदिर के श्यामी वाला डस्टबिन में सारे शीशे उड़े की तो उड़े तो पहाड़ी को नहीं दूसरे हां उड़े तो उसका सही था अच्छा ये नू कोना थी एक गोरा कह के अरे गोरा क्यों मंदिर के सामने जाड़ है के किधर आला तो रहनी है अच्छा तोड़ गया उड़े वो तो मैंने बेर आए है वो तो गलत वो गलत भी इन्हें की वजह से है एक तो वो सिद्धांति के कर दो रहे है इनकी वजह से हां उड़े सिद्धांति वाला तो हो गया इस तक गए
मंदिर के स्वामी वो नाला है, मैं समझ गई उड़े भी है फैलियर वो गेर सा खल यार उसके उस तौरे ने नहीं है ये इनने के उसका तो पाछे भी जब आड़े तो जब तो मैच लेकर जाते ये न बोले वे न को मते इन नीचा गाड़ दे ये नीचा गड़ा है ना जो थोड़ी डूंगा है तो उमा ठीक रहा है वो एक के वो ऊपर गड़ रहा है वो दिन तो कठड़ी का टूटता टूटता बच्चा महाराज यो भैंस का करतू बोलिया क्या करा तड़के एक बार रात जाकर डॉक्टर की तरह अच्छा लगता रहा है रू लगाना के है दवाई दवाई थी गोली दी है तो ग्रीस ला जाए यार पट्टी ये पट्टी में ग्रीस है ग्रीस का की अरे घाव भर दिया रहा हो जे कब था डॉक्टर गोली सुनसान में दे दी जाए रोटी देखो सुन भी होगा एक लोई सी मत क्या गोली देनी थी पट्टी चार गोली ये दो दो डाल की है ना टूट गई थी सुन दे सुन खाना का भी था सुसरी का ले होगी इतना फिर दो रहेगी गोली गोली तो पानी गर्म कर दिया है और वाल उल भी सही है कि ये तो सुती हूँ धोखा वो करण का फिर पानी ले जाए बाल्टी में बाल्टी में चल भगोने में ले सर ये देख।